यारे फर भेल पतनामा आगे सोनामा। लड़की से प्यार किए थे वो हमको उस 90 वाली लिस्ट में रखी थी, धोखा दे दी, तो फिर अब जाकर लगा कि नहीं भाई, फिर वो फोन की हमको इस बार, कैसे हैं शिवेश जी, कैसे हैं, नहीं है, तो फिर लगा कि यार ये धोखेबाज फिर क्यों फोन की, शादी हो गया, बच्चे हो गए उसके, तो फिर मैंने मेहनत करके अब इस पे गाना लिखना शुरू किया। लाइफ तो बर्बाद की ही, अब अपने पति का लाइफ बर्बाद करोगी, ये चीज नहीं होने देंगे हम, इस वजह से हमने गाना। शादी का भी विचार था उससे, था, लेकिन अब तो बस एक ही चीज बचा है कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। उसका चेहरा अभी भी याद आता है मुझे, तो मैंने लिखा कि तेरा चेहरा आज भी इन आंखों में रहता है। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ एक बार जुड़े हैं शिवेश मिश्रा। आजकल इनका गाना जो है ना खाली सैड सॉन्ग आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया इनको, और गाने का बोल यार रेफर भलो पटनावा, और भी गाने एक आज रिलीज हुआ है वो भी गजब का गाना है, खाली गोली बंदूक डाकू बन गए, पता नहीं क्या हुआ, आइए जानते हैं। स्वागत है सबसे पहले। सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद की कामना आप सारे लोगों से होती है हमारे, हमारी। क्या हो गया है आजकल खाली सैड सॉन्ग में आप डूबे हैं, कुछ दिल पे ठेस पहुंचा है क्या, याद कुछ तो, आ रहा है? सेठ तो पहुंचा था, उसी वजह से गाना गा रहे हैं, दिल टूटा है और इसी वजह से गाना गा रहे हैं। अभी लगातार सैड सॉन्ग आएगा अपना, एक से बढ़कर एक। डाकू का रोल ले लिए, गुंडा का रोल ले लिए है आप। अभी अभी जो गाना मेरा आया है जीना हम तो छोड़ देंगे, उसमें डाकू का रोल किया है मैंने, उस दुर्लभ कश्यप की तरह। हाँ, पूरा टीका उसका मार, एकदम टीका, लंबा ऐसे वाला टीका, पगड़ी उड़ी दे के, और वो वीडियो पूरा देखेंगे लास्ट में तो मर भी जाते हैं खुद से गोली मार के। क्योंकि वजह है कि लड़की इतनी मासूम होती है ना, जिसका चेहरा देख के हम खुद को सुसाइड कर लेते हैं, मारने को उसको बुलाए थे मारने के लिए, लेकिन खुद ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों? यही इश्क है, यही मोहब्बत है। इश्क लिखो तो सौ आधा, मोहब्बत लिखो तो आधा। तो हम लोग तो बस मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और बाकी ये लोग देखते हैं, प्यार आशीर्वाद देते हैं, इसलिए सैड सॉन्ग का ज्यादा जुनून जगा है अभी मेरा। काफी आपका गाना भी ट्रेंड में चल रहा है, 1 मिलियन मतलब क्रॉस कर गया है गाना, यारवा पटनावा भर्ती हवा, ऐसे गाना पहले दर्शक के बीच में दो लाइन। एक बेर मिलल लागो छूट जैतौ परनामा आगे सोनामा, एक बेर मिलल लागो छूट जैतौ परनामा आगे सोनामा, यारवा रे फर भेल पटनामा आगे सोनामा, पगला दे फर भेल पटनामा आगे सोनामा। इसका अंतरा था, दिन प दिन बिगड़ल जाई छौ हालत मोर गे, देखै छौ अखियां यसरा जनुआ खाली तोर गे, बस कुछ दिन के छियौ हम तमे हम नवा अगे सोनवा, यारवा रे फर भेल पटनामा आगे सोनवा। एक इसमें एक लाइन चुराया गया मैंने, चुराया है जो उस गाने में गाया था मैंने, एक लोटा पानी पिएबू की ना, उसी में आई के पियाई देना एक चूर पनिया, किया तर पाबै छही हे गे हम रनिया, कहै छौ शिवेश संग में ले ले आई है कफनवा अगे सोनवा, यारवा रे फर भेल पटनामा अगे सोनवा। बहुत सुंदर ये गाना है, दिल को ऐद करने वाला गाना है, 1 मिलियन ये क्रॉस कर गया है 2 दिन में ये गाना, काफी लोगों को पसंद पड़ रहा है। इसमें शूटिंग में ऐसा किया गया ना, हॉस्पिटल एम्बुलेंस भर्ती पटना जैसे भर्ती होते हैं उस तरीके का है, मतलब बहुत दर्द भरे गाने, कैसे ख्याल आया कि मतलब कि इस तरीके से शूटिंग किया जाए, एम्बुलेंस है, सुजन लगा है, सब चीज लगा है, मतलब रेफर हो रहा है। क्योंकि ये जो नहीं है कि हर लड़की भी ना प्यार को सीरियस लेती है, 100 में से 90 को धोखा देती है, तो वही हाल था।
एक लड़की से प्यार किए थे, वो हमको उस 90 वाली लिस्ट में रखी थी, धोखा दे दी। तो फिर अब जाकर लगा कि नहीं भाई, फिर वो फोन की हमको इस बार, कैसे हैं शिवेश जी, कैसे हैं, नहीं है। तो फिर लगा कि यार ये धोखेबाज फिर क्यों फोन की, शादी हो गया, बच्चे हो गए उसके। तो फिर मैंने मेहनत करके अब इस पे गाना लिखना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया कि भाई तुमने धोखा दिया और आज तुम फिर से प्यार करने आई हो, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर हमारा लाइफ तो बर्बाद की ही, अब अपने पति का लाइफ बर्बाद करोगी, ये चीज नहीं होने देंगे हम। इस वजह से हमने गाना बनाया है, अब ये गाना गाया है ना, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे, आज रिलीज हुआ। गैर तो गैर है अपनों से रिश्ता तोड़ देंगे, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे। उसका उसका चेहरा अभी भी याद आता है मुझे। तो मैंने लिखा कि तेरा चेहरा आज भी इन आंखों में रहता है, तेरे दिए गम को ये दीवाना आज सहता है, याद तेरी आती है उन लम्हों से मुंह मोड़ लेंगे, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे। फिर लास्ट में राइटर ने कहा, अर्जुन शर्मा जी ने, कि इसमें क्या लिखा जाए। तो मैंने कहा ऐसा चीज लिखिए कि उसने धोखा दिया ना, उसको फिर प्रायश्चित हो कि हमने धोखा देकर गलत किया, उस लड़के जैसा फिर मुझे दूसरा लड़का नहीं मिलेगा। तो उन्होंने लिखा कि तुझसे धोखा खाकर हम खुद ही दूर हो गए, पागल के नाम से हम तो मशहूर हो गए, अरे जिंदगी को हम अपने हो, जिंदगी को हम अपने मौत से ही जोड़ लेंगे, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे। ये साफ जाहिर होता है कि कितना शिवेश मिश्रा मोहब्बत करते थे अपनी जो थी, शादी का भी विचार था उससे था, लेकिन अब तो बस एक ही चीज बचा है कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। लेकिन शादी हो गया, अब क्या रोना है, अब क्या धोना है, अब तो आपको प्यार करने वाली आ गई, याद आती है ना। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है मेरे साथिया, तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ये लड़की बोल रही है, अब उसकी शादी हो गई फिर भी कहती है कि तेरी कसम तेरे प्यार में साजन, मतलब मुझे कह रही है मेरा हुआ बुरा हाल। तो अब कैसे हो सकता है ये चीज बताइए आप ही। अब तो उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी और के घर की अब शोभा है। अब उसको मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको मैं अपने पास लाऊं या फिर मुझसे बात करे, अच्छी बात नहीं है ये। बिल्कुल सही है। अच्छा शिवेश जी क्या कहेंगे, इतने आपके पब्लिक देखने वाले अभी देख रहे हैं, भर भर के दुलार प्यार आपको हमेशा देते रहते, उनके लिए क्या धन्यवाद देंगे। माँ बाप के बाद उन्हीं लोगों का स्थान है मेरे लाइफ में, बस यही मैं जानता हूँ। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए तो दिल से कलेजे में जगह, और जो लोग मुझे मुझसे नफरत करते हैं उनके लिए भी जगह यही दिल में, क्योंकि आप नफरत करेंगे नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, हम देखेंगे कैसे कि मेरे में कमी क्या है, मैं उसको सुधारने का कोशिश कैसे करूंगा। और कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं बना जिसको नफरत करने वाले लोग नहीं। भगवान के दरवाजे पर लोग जब जाते हैं ना पैदल, कि भगवान एगो बेटा चाहे बेटी चाहे पत्नी दे दीजिएगा, मिल गई तो ठीक है, बच्चा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले बार यहीं से गाड़ी आएगा भगवान को, हम नहीं आएंगे आपके पास, आप तो बच्चा देवे नहीं किए हमको। तो जब भगवान को गाली देने वाले लोग हैं तो फिर मुझ जैसे ना समझ आदमी को क्यों ना गाली देंगे, गाली देने का हक है आपका, दीजिए खूब दिल से दीजिए, हम आपके भाई हैं, लेकिन दीजिए तो अच्छा गाली दीजिए जो अच्छा लगे, बुरा दीजिएगा तो हम आपके भाई हैं तो आप मेरे भाई हैं, आपको ही पड़ जाएगा गाली, इसलिए अच्छा गाली दीजिए जिससे कि हमको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, कुछ सीख भी मिले, कुछ सीख भी मिले, आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।